इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। भिलाला समाज का समागम कार्यक्रम चल रहा है जिसमें वे पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए यहां पर सीधी तस्वीरें हैं जहां पर प्रतिभावान जो लोग हैं उनका समाज की प्रतिभाओं को समाज के लोगों का सम्मान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। ये तस्वीर इंदौर से है जहां पर भिलाला समाज का ये समागम और इसमें मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया था और मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर पहुंचे हैं, कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, जिन्हें समाज के जनप्रतिनिधियों और समाज के प्रमुखों के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। प्रतिभावान छात्र छात्राएं विभिन्न क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि करवाने वाले समाजजनों का भी सम्मान किया गया है। तो समाज में जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है मनीषा धारवे को आगे बढ़ाने में, समाज उन लोगों का सम्मान, वो पहली इसके अलावा प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान यहां पर किया गया, समाज के बुजुर्गों को भी सम्मानित किया जा रहा है। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये भिलाला समाज की तरफ से समागम रखा गया था जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करने के लिए उनका अपना एक शेड्यूल होता है जिसकी वजह से वो नहीं आ पाई। सम्मान समारोह के पश्चात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे समाजजनों को संबोधित करें। इससे पहले जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, भिलाला समाज और वैसे तो सभी समाज के हमारे सारे समाज बंधु यहाँ मौजूद है। एक बार जोर से जयकारा लगाए, बोले ओंकार महाराज की, नर्मदे महारानी की। सबसे पहले तो आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। सच में थोड़ा विलंब से आया तो क्षमा भी चाहता हूं और आपको दिल से बधाई देता हूं। वाकई अद्भुत कार्यक्रम किया है, आपकी जितनी तारीफ करो उतना कम। मैं कल से निकला हूं और हमने तय किया था कि 3 बजे के आसपास आऊंगा, लेकिन कुछ न कुछ कारण से लगता है कि ज्यादा प्रेम होने के कारण से अपने बीच में कुछ न कुछ व्यवधान आता है। जब ज्यादा लाल होता है तो बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है, लेकिन ये परीक्षा भी होती है, ये हमारे लिए एक चुनौती भी रहती है कि हम पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए। लेकिन देर से आया जरूर आपके बीच में, जो वादा किया है वो निभाया जरूर, मुझे इस बात का आनंद। हमारे बीच हमारे भारत सरकार के मंत्री, बाप रे वाह, क्या देखो आप आनंद है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय सावित्री ठाकुर जी का। और पति पत्नी हो तो भाग्यशाली नागर सिंह जैसा होना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ दोनों के लिए। नागर सिंह जी माननीय मंत्री और भाभी जी माननीय सांसद, वाह अनीता नागर सिंह चौहान, जोरदार अभिनंदन। इस अवसर पर हमारे गजेंद्र भाई, जोरदार अभिनंदन गजेंद्र भाई के लिए जिन्होंने बहुत अच्छे से बात रखी। वही दोनों की तुलना कर रहा है, गजेंद्र सिंह नागर सिंह, कौन कम पड़ रहा है? कोई कम नहीं पड़ रहा, जोरदार ठोको आपने आप। हमसे कोई पूछे कि ये आंख अच्छी कि ये आंख अच्छी, दोनों आंखें अच्छी होती। जोरदार अभिनंदन करो अपने लिए। और मंच पे कितना भरा पूरा मंच है,
भाई मंत्री तुलसी सिलावट जी का जोरदार अभिनंदन करो। मेरे साथ माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, जोरदार अभिनंदन मेंदोला जी के लिए। मुरली भवरा जी है कि नहीं है? मुरली भवरा जी माननीय विधायक निकल गए। राजेंद्र मंडलोई जी बड़वानी विधायक, जोरदार अभिनंदन बड़वानी विधायक के लिए भी। और कालू भाई कहाँ है कालू भाई? ये सावित्री दीदी भी यहीं बैठी है, उधर भी नमस्कार कर लो। जोरदार अभिनंदन दोनों भुआ भतीजों के लिए, भाभी देवरों के भुआ भतीजे हो। मेरी अपनी ओर से मंच पर मौजूद हमारे यशस्वी नगर जिला अध्यक्ष माननीय गौरव रणदिवे जी, आपका भी अभिनंदन। रंजना दीदी जोरदार क्या डांस कर रही थी आते आते, जोरदार अभिनंदन हमारी पूर्व मंत्री रंजना बहन के लिए। गोलू शुक्ला जी सांसद महोदय कहाँ है गोलू भाई? जोरदार अभिनंदन आपका भी। और ये पूरे आयोजन के सूत्रधार हमारे बीएस जामोद जी, आप प्रांतीय अध्यक्ष भी है, संभाग आयुक्त भी है, जोरदार अभिनंदन करो। अभी भी दो ही संभाग है आपके पास? दो दो दिए थे इनको आपको, कोई बात नहीं, बड़ा संभाग चला रहा। जोरदार ताली बजाओ जामोद जी के लिए। मैं इस मंच पर मौजूद सेना पटेल जी है क्या? सेना जी निकल गए, कोई बात नहीं। और मोंटू सोलंकी जी ये भी गए, ताली बजाते जाओ इनके लिए भी। और शकुंतला डोंडवे जी, मुकुंद सिंह सिसोदिया जी, जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए। भाई माफी चाहता हूं, समय कम है, सबके लिए जोरदार ताली बजा दो एक बार। मुकाम सिंह किराड़े जी कहां गए? मुकाम सिंह जी नहीं तो मालूम पड़ा रंजना जी का नाम लिया, इनका लिए ही नहीं। और जमुना देवी, जमुना सिंह सोलंकी है क्या? जोरदार अभिनंदन। पूर्व विधायक भगवानपुरा और धूल सिंह डावर जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। पूर्व विधायक निगवाल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। निगवाल जी आपका नाम नहीं लूंगा तो पाप हो जाएगा। अभी आपने धन्यवाद दिया कि जो काम आपने बताए थे, मैंने मेरे को बताए थे वो कर दिए आपके काम ने। जोरदार अभिनंदन हमारे इस पूरे कार्यक्रम के लिए। धूल सिंह डावर जी के लिए भी अभिनंदन साहब, पूर्व विधायक। पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजाए एक बार। भिलाला जाति पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, झाबुआ, हरदा, नर्मदापुरम, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, गुना, श्योपुर, अरे और कौन से कितने जिले गिनो। जोरदार ताली ठोको सभी के लिए। कितने बड़े भिलाला समाज से हमारा यह समूचा अंचल भरा हुआ है और आपको देख के ऐसा लगता है कि ओंकार महाराज के दर्शन होगा, आपको देख के वो पुण्य मिल जाता है। अपने आदिदेव महादेव ओंकार महाराज की पूजा पे अगर किसी का हक है सबसे पहले तो अपने इस समाज का हक है। मुझे इस बात का आनंद, जब मैं आज वहां पुष्पांजलि करने भी गया तो भगवान का भी नंबर आपने वो ही दिया। और जब जब समाज में चुनौती आई तो ये समाज पीछे नहीं रहा। जोरदार अभिनंदन करो अपने सभी क्रांतिकारियों के लिए। और इसी कारण से क्या भील, क्या भिलाला, क्या बारेला, सब हम तो एक ही मानते हैं, इसलिए समूचे समाज के लिए जोरदार ताली बजा दो। जब हमारी सरकार बनी तो हमने निर्णय किया कि हमारे बीच अंग्रेजों से जिनने मुकाबला किया, जिनके पराक्रम के कारण से छोटी लाइन की ट्रेन अपने आप स्टेशन पर रुकती थी, रुकती कि नहीं रुकती थी, टंटिया मामा को नमस्कार करके आगे बढ़ती थी। इसे टंटिया मामा के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमने विश्वविद्यालय खोल दिया, टंटिया मामा विश्वविद्यालय, ये हमारे लिए ये संस्कृति का पहचान है।
विश्वविद्यालय खरगोन के अंदर। गजन भैया मजा आया कि नहीं आया? जोरदार ताली बजाओ अपने उस भाव के लिए। मैं आपके समाज की विशेषताओं की एक एक की बात करूं तो समय लगेगा, लेकिन आदिवासी समाज में अपने में से जितना गौरवशाली अतीत आपने समेट के चले कोई नहीं समेट सकता। आपने संस्कृति परंपरा मूल्यों को संरक्षित करते हुए एक एक चीज से अपने आप को जैसा रचे बसे हैं, वाकई भगवान करे कोई की नजर नहीं लगे आपके लिए, यह अपना आनंद है। सारे तीज त्योहार सारे आनंद के बाद भी जीवन में जीने के लिए बहुत थोड़ा भी मिले तो चेहरे पे कोई मलिन मुस्कान नहीं, जितना मिला आनंद से जीने की जो हिम्मत किसी में है वो अपने समाज में। मुझे इस बात का आनंद, कठिन से कठिन काम दे दो जो असंभव लगता हो दुनिया में, कोई करे ना करे ये समाज 1,00,000% करके जाता है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इसलिए लोग तो बड़े बड़े नगर बना के भी डरते, कोई लूट जाएगा, कोई जानवर खा जाएगा, कभी क्या हो जाएगा। अरे अपने समाज से सीखे, एक टापरा बना के भी कैसे आनंद से रहते, ये हमारी हिम्मत है। हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। भगवान ने एक बार जन्म दिया तो जन्म तो दूसरी बार नहीं आएगा, और कौन ऐसा धरती पे है जिसकी मौत नहीं आती है। तो धरती पे जन्म से लेकर मृत्यु तक निर्भीकता के साथ कोई रहता है वह हमारा समाज रहता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और आपको बधाई देना चाहूंगा। इसीलिए एक नहीं कई प्रतिभाएं आ जाई अपने बीच में। अरे मंजू दादू जी का नाम भूल गया, जोरदार ताली बजाओ। बहन जी मैं माफी चाहता हूं, आपका नाम चूका, लेकिन आपकी आंखों देख के डर लगा के नाम भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगी बाद में, तो माफी चाहता हूं। हमारी बहन ने अपनी उपस्थिति से क्षेत्र की जनता के लिए लगातार लड़ाई लड़ी और सुयोग्य विधायक बन के हमारे बीच बैठी है। मैं आज के अवसर पर अपनी कृषि प्रधान संस्कृति, पशुपालन की संस्कृति, लेकिन सबसे बड़ी परिश्रमी संस्कृति है, जो परिश्रम अपन करते वो कोई नहीं कर सकता, ये हमारे अपने समाज की विशेषता। और कितने प्रकार की प्रतिभा निकल के आ रही है, कोई IRS, कोई IAS, कोई डिप्टी कलेक्टर, और तो और एक बच्चा 94% वाला पटेल बंधु हमारा, जोरदार अभिनंदन करो। ये क्षमता निकल निकल के आ रही है। और हमारे बीच में से आज अपने समाज के अंदर, मुझे अभी नागर सिंह जी बता रहे थे, गजेंद्र सिंह जी बता रहे थे, अपने समाज के अंदर होने वाली कुरीतियों के खिलाफ लगातार आपने मंच बना करके जो सुधार का अभियान चलाया, वाकई बधाई दूंगा आपको। दोनों हाथ जोड़ करके आपने बहुत श्रेष्ठ काम किया। यह हमारा भोलापन और हमारा बाकापन यह हमारी विशेषता भी है, लेकिन यह हमारे लिए दुश्मनों की तरीके से मारने की कमजोरी भी है। दुश्मन हमारे घर में घुस करके इसी का लाभ लेता है। हमारे लोग भले हैं, भोले हैं, इसी का दुरुपयोग करते हैं। आपने कितनी सारी बात खुल के बताई, मैं उन सारी बातों को जानता हूं। नशे का दुरुपयोग करके पता नहीं क्या क्या करा लेते हैं, कितने प्रकार से छोटी छोटी बात पे हमको लड़ा करके अपने बीच में से मतभिन्नता खड़ी करके। लेकिन आज सामाजिक कुरीतियों को दूर करके आपने जो आगे बढ़ने का निर्णय किया, वाकई आपको बधाई देता हूं। हमारे बीच सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर अपनी उज्जवल परंपराओं को संभाल कर ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। हमारे संभाग आयुक्त बाबू सिंह जामोद जी बाकी बातें तो बोल ही रहे थे, लेकिन जैसे ही अपनी भिलाला भाषा में बोला तो आनंद छा गया, यही तो मजा है। अरे ये बोलियों को संभाल को रखने की जरूरत है, ये भाषा को संभाल के रखने की जरूरत है। ये मेरे तुम्हारे बनाने से नहीं बनती, ये परमात्मा की कृपा है। कई पीढ़ियां लग जाती है
हमारी बोलियों से भाषा के रास्ते को तय करते हुए, ऐसे में अपनी भाषा, बोली, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, धार्मिक मान्यताएं नागर सिंह जी ने खोल खोल के बातें कही। जो दुश्मन है वो जान करते ऐसे नाटक ला रहे हैं, कोई धर्म परिवर्तन का नाटक लाएगा, कोई लैंड जिहाद का नाटक लाएगा, कोई लव जिहाद का नाटक लाएगा, ये सारे नाटक आपको कमजोर करने के लिए है। लेकिन चिंता मत करो, सरकार आपके साथ है, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है, इसका आश्वासन आपको दे रहे हैं। आपने तय कर लिया, दुनिया की कोई ताकत अपने को परास्त नहीं कर सकती। सभी शासकीय योजनाओं का लाभ मिलने के लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। और आपने तो, अब तो बहुत अच्छा समय चल रहा है। नागर सिंह जी कह रहे थे हमारे बच्चे सूरत में जाकर हीरे के बनाने के काम कर रहे हैं, और कितनी अच्छी बात कह रहे थे कि अब तो वहां पे इतने पैसे आते हैं कि अपनी शादी में भी अगर 8-10 लाख खर्चा नहीं हुआ तो मजा ही नहीं आता समाज में। ये जो समय बदला है, बदलते समय में पैसा भी आएगा, लेकिन समाज के अंदर संस्कार भी बने रहना चाहिए। उद्योग धंधे लगाने के लिए अभी अपने बीच में नौकरी करने के लिए अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत करना, आप शासन की योजनाओं के माध्यम से कोई भी काम धंधा करना जाओगे, सरकार सबसे पहले आपके समाज की मदद करेगी, यह आश्वासन मैं देना चाहूंगा। हमारे में से उद्योगपति बने, व्यापारी बने, नौकर साहब बड़े बड़े पदों पे पहुंचे, लेकिन सब बनने के साथ भी जड़ों से जुड़े रहे, गांव को नहीं भूले, अपनी संस्कृति को नहीं भूले, एक दूसरे को नहीं भूले, सबको लेके साथ चले, यही विशेषता है। इसलिए सरकार ने हमारे समग्र विकास के लिए हमने लगभग 16% बजट बढ़ाते हुए 40,808 करोड़ का बजट ये अपने बीच में बढ़ा के दिया। थोड़ा आंकड़ा भूल रहा हूं, 16 नहीं वो 23.4% है। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे पुराने बजट लगातार बढ़ा रहे हैं। लेकिन बजट का बढ़ाने का मतलब हमारे बीच में अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाते हुए उनके मन में जो सपने हो वहां तक उड़ान भरे, इसका आनंद है। आज के इस अवसर पर आप अंदाज लगाओ, 2-4 बातें बोलूंगा, ज्यादा लंबी नहीं बोलूंगा। गया जमाना पुराना, जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये ताली में कम कंजूसी कर रहे हो, थोड़ा और बड़ा के बजाओ, मैं कारण बताऊंगा उसका। ऐसा लगा कि ये तीसरी बार की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार केवल अपने समाज के लिए आई। 18,500 करोड़ की इंदौर मनमाड़ रेल लाइन, पूरा क्षेत्र चकाचक हो जाएगा। धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, ये पूरा बेल्ट, और केवल आपका नहीं, इसके माध्यम से अब जो इंदौर से होती हुई ट्रेन जाएगी तो बंबई जाने के 2 रास्ते बन जाएंगे। एक ओंकार महाराज होके खंडवा खरगोन के लिए भी ताली बजा दो, ये नया बेल्ट भी ब्रॉडगेज लाइन के माध्यम से, और दूसरा मनमाड़ के रास्ते से बंबई का रास्ता मिलेगा। ये रास्ते नहीं रहेंगे, ये हमारे गेट पास है अपनी जिंदगी को बदलने के। इसलिए याद रखना, पूरे क्षेत्र में एक नई बहार आएगी, विकास की नई संभावना बनेगी। ये बने बनाए रेल के जो रास्ते थे अभी तक दिल्ली से बंबई जाने के, ये रास्ते बदल जाएंगे। अब दिल्ली से जाने वाली ट्रेन नागदा, रतलाम, झाबुआ होके सूरत नहीं जाएगी, अब ये दिल्ली से उज्जैन, इंदौर के रास्ते बॉम्बे जाएगी। 4 घंटे का सफर बचेगा, 4 घंटे का। इधर से भी कोई आए, या आगरा, गुना ग्वालियर से होकर अब भोपाल, इटारसी, खंडवा, ये 250 किलोमीटर का ज्यादा चक्कर है। अब सीधा ग्वालियर से गुना, राजगढ़, उज्जैन या देवास से इंदौर घुसेगा, वो सीधा मुंबई जाएगा। ये ट्रेन का रूट जो बन रहा,
ये भविष्य के विकास का नया रास्ता खोल रहा है। और ये अगर कोई क्षेत्र लाभ उठाएगा तो बड़े पैमाने पे अपना यह समाज लाभ उठाएगा। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए। गरीब से गरीब आदमी के जीवन में आपसे बड़ा गवाह कौन होगा। गुजरात में बड़े पैमाने पर अपने समाज के लोग रोजगार के लिए उधर से, चाहे हमारे नागर सिंह जी का क्षेत्र हो या हमारी सांसद जी का क्षेत्र हो, अब पति पत्नी का दो ही क्षेत्र गुजरात से जुड़े हुए हैं। जोरदार ताली बजाओ इधर से उधर तक। अलीराजपुर हो या झाबुआ, बदलते दौर में मध्य प्रदेश भी कम नहीं पड़ रहा है। आने वाले समय में लगातार एक के बाद एक बहुत सारी योजना हम बना रहे हैं। हमारे वन ग्रामों में भी 827 वन ग्राम है। हमने निर्णय किया है कि सभी को राजस्व गांव में बदलेंगे, सबकी कठिनाइयां हल करेंगे। विकास के मामले में पैसा एक्ट लगा करके सभी गांवों के अंदर विकास का नया दरवाजा खोला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी मैंने सम्मान किया गजेंद्र जी की पत्नी का। ये पति पत्नी सिकल सेल एनीमिया के बड़े अभियान में लगे, हमारे महामहिम भी लगे। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। ऐसी लाइलाज बीमारी के लिए भी हमने 90 जनजाति ब्लॉक में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिसपे हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में जनजाति क्षेत्र के 94 सीएम राइट स्कूल मंजूर आपके क्षेत्र में किए हैं अपने, 94 सीएम राइट। एक एक स्कूल 50-50 करोड़ से ऊपर के हैं। ताली वाली तो बजा भैया, इतने पैसे तो कोई देता ही नहीं था पहले। 50 करोड़ का एक स्कूल, वो लगभग 100 स्कूल अपने क्षेत्र में खुलेंगे। और विद्यार्थियों के लिए जेईई, क्लेट, नीट सभी क्षेत्र में कोचिंग क्लास में अच्छे बच्चों को पढ़ाओ। आप मॉनिटरिंग करो, सरकार फ्री पढ़ाएगी, सरकार पैसा देगी, हमारे बच्चे डॉक्टर वकील इंजीनियर बनना चाहिए। ये लगातार हम प्रयास करेंगे। सिविल सेवा में प्रोत्साहन देने के लिए अगर कोचिंग की जरूरत रहेगी तो उसमें भी सरकार पैसे देगी। अभी आप समीक्षा कर लेना, कुछ लोग तो कर रहे हैं लेकिन और बढ़ाने की जरूरत है। अब आपने कहा है कि हमको अपने इंदौर में संभाग केंद्र पे क्या चाहिए, अरे भैया जमीन मांगो, एकड़ तो मेरे पे छोड़ दो। मैं समझ गया, तो डामोर साहब को हमने संभाग आयुक्त यूं थोड़ी बनाया है। तो आपने लिए ताली बजाओ, इंदौर में जमीन दी जाएगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए पल पल होए। तो आप एक संभाग में करो, आगे जिले तक ले जाने की गारंटी दे रहा हूं। हमारी सरकार लगातार इसमें काम करती रहेगी। आने वाले समय में छात्रावास के विद्यार्थियों के लिए बोलना चाहूंगा, प्रशासन के लोग भी सुन ले, अगली बार 8-15 दिन में कभी भी मौका पड़ेगा, मेरे दौरे में कोई कार्यक्रम जोड़ो या मत जोड़ो, लेकिन अपने अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावास का एक दौरा लगातार होता रहेगा, ताकि उनके अंदर की व्यवस्था सुधरे। यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। मुझे मालूम है विकास के मामले में, और अभी तो बिरसा मुंडा याद आ रहा है, बोले भगवान बिरसा मुंडा की। हमारे लिए ये मूल बात है, आप याद रखना, जिनने टंटिया मामा, बिरसा मुंडा, ये आजादी के वो दीवाने हैं, जो उस चट्टान से बड़ी ऐसी शख्सियत अंग्रेजों की कि जिनका सूरज अस्त नहीं होता था, उससे लड़कर के उनके छक्के छुड़ाए, ये हमारी संस्कृति थी। लेकिन इन महापुरुषों को भूल गए, तो हमने याद दिलाया कि बिरसा मुंडा को याद करके 15 नवंबर को पिछली बार तो प्रधानमंत्री आए थे, जोरदार ताली बजाओ अपने नरेंद्र मोदी जी के लिए। और इस बार भी धार जिले के अंदर 15 तारीख को यह कार्यक्रम करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो, हम सब 15 तारीख को वहां मिलेंगे। और इस बार सरकार ने निर्णय किया है कि हमारे एक एक त्योहार सबके लिए है,
आनंद में डूबने के लिए है, तो अपने बीच में पशुपालन का पुराना अपना काम काज है, इसलिए पशुपालन के आधार पर सच्ची दिवाली तो अपनी गोवर्धन पूजा या गोवर्धन पूजा से मनती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपने बीच में गोवर्धन पूजा भी सरकार के द्वारा मनाई जाएगी। दिवाली के दूसरे दिन जो जहां रहेगा सांसद, विधायक, मंत्री, प्रभारी मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, सब दूर गौ माता की पूजा करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे, जोरदार ताली बजाओ। और सच्चे अर्थों में गोवर्धन भी है, वो गौ माता का गोवर्धन आज के समय में इसी बात की आवश्यकता। मुझे बताया गया है इंदौर में समाज की धर्मशाला या मांगलिक भवन निर्माण होने के लिए कुछ पैसे घट रहे हैं, जो पैसे घटेंगे जरूर दिए जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं। कहने के लिए तो बहुत कुछ बोल रहा हूं, लेकिन आज ही आज मत बुलवाओ, अगली बार भी तो बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो कुछ अगली बार के लिए भी छोड़ दो। 5 साल की सरकार है, अभी तो साल भी पूरा नहीं हुआ और अभी आपका भगोरिया बाकी है। जोरदार आनंद बताओ, ये भगोरिया का जो मजा आता है। हमारे बीच में से जो धर्मशाला के लिए पैसे लगेंगे, कितने लग रहे हैं अंदाज से मत बोलो, तुम बोलो 4 तो 4 न 6 तो 6, जो लगेंगे पूरा देने को तैयार है। 5 करोड़ रुपया अपनी धर्मशाला के लिए देने की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमारे समाज को इतनी विशाल सौगात दी। 5 करोड़ की राशि दी है मुख्यमंत्री जी ने आदिवासी समाज के लिए। एक बार सभी मिलकर ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें, जोरदार ताली।